नमस्कार, रियल गट्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए अपना जो मैनिफेस्टो है ये रिलीज कर दिया। लगभग 48 पेज का है। अगर आप पूरा मैनिफेस्टो पढ़ना चाहते हो, इसका एक PDF फाइल है जिसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और आपको अभी तक शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके काफी सारा सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो सपोर्टर हो या उनका अगेंस्ट में हो, काफी सारा लोगों ने इसका बारे में समझाया होगा। मैं पूरा जो मैनिफेस्टो है इसको तो आपका सामने नहीं डिस्कस करूंगा, उसमें से दो चार ऐसा पॉइंट है जो मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ। और आखिर में आपसे मैं कॉमेंट में ये जरूर जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने ये जो मैनिफेस्टो, जो मैं दो चार पॉइंट आपका सामने रखूंगा कांग्रेस मैनिफेस्टो का, उससे आपका क्या राय है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले शुरू करते हैं कांग्रेस पार्टी का लोकसभा इलेक्शन 2024 मैनिफेस्टो का जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इन्होंने पहला पॉइंट जो रखा है ये रखा है इक्विटी का ऊपर, दूसरा है यूथ का ऊपर, तीसरा है वुमेन, नंबर फोर है फार्मर्स, फिफ्थ है वर्कर्स, सिक्स आपका डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सेवन इकोनॉमी, एट में है आपका फेडरलिज्म, नाइन में है नेशनल सिक्योरिटी, टेन नंबर पर है एनवायरमेंट। तो इक्विटी का ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ये पॉइंट वही रखा है। कांग्रेस ये जो कास्ट बेस्ड वाला जो पॉलिटिक्स कर रहा है ना, रिजर्वेशन को लेके 50% जो कैफ है, राइट, SC ST OBC, इसका ऊपर रिजर्वेशन किया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने कर रहा था, उस टाइम पर राहुल गांधी का ही मुद्दा था। तो यहाँ पर आपको वही दर्शाता है कि पहले कांग्रेस ने दिखा दिया कि देखो हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रहा है। क्यों करने जा रहा है? कि SC ST का जो उसकी प्रावधान है 50% कैप तक दिया जाना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने जो वीडियो में, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोल रहा था, इनका कैलकुलेशन में समझ नहीं पा रहा था। 70% दलित, 80% इस टाइप से वो दे रहा था ना, जो 100% से भी ज्यादा हो जाता था। तो पता नहीं ये किस हिसाब से इसको डिवाइड करके आपका सामने दिखा रहा है 50%। तो ये कांग्रेस का पहला मुद्दा वही आ गया जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने दिखा रहा था। फिर अगर आगे इसमें बढ़ते हैं, दूसरा मेरा जो पॉइंट है इसमें मैं आपको दिखाते हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी का मेरा सबसे जो पसंद आया कि कांग्रेस ने ये जो सबमिट किया, इसमें मुझे एक जो इसका विजन है क्लियरली दिखाई दे रहा है ये पूरा मैनिफेस्टो में। अब ये जो आपका सामने 9 पॉइंट्स है, ये 9 पॉइंट्स आप पूरा पढ़ लो। ये पढ़ने के बाद आपको एक बात क्लियरली समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस मैनिफेस्टो में ये जो दिखाया है, ये 9 का 9 पॉइंट में माइनॉरिटीज का नाम पर उनका जो मानसिकता है, शरिया टाइप का लॉ भी यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना दिखा दिया है, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप उन्होंने ये दिखा दिया है, काफी सारा हर पॉइंट में आपको वही दिखागा माइनॉरिटीज का नाम पर फैसिलिटीज दिया जा रहा है। जो कांग्रेस के लिए आज भूत बैंक ही वही है, जो इनका सपोर्टर है वही है, कांग्रेस भी आगे यही दिखा रहा है। इसीलिए आज हमारा देश का प्रधानमंत्री ने एक रैली में कांग्रेस पार्टी का ऊपर मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो सबमिट किया है, ये मैनिफेस्टो में वो दिखाई दे रहा है जो मुस्लिम लीग बना था भारत को तोड़ते हुए दो पार्ट कर दिया था। इसमें मुस्लिम लीग का ही पूरा एजेंडा था, भारत को तोड़ना था, उसको पाकिस्तान चाहिए था, जिसको लीड कर रहा था जिन्ना ने। तो मोदी जी का आज कहना है कि इस बार मैनिफेस्टो में 1947 के बाद जो मुस्लिम लीग का एजेंडा शायद उन्होंने पाकिस्तान बना के सक्सेसफुली हो गया था, दो तीन कहीं ना कहीं रुक गया होगा, जो मुद्दा आज कांग्रेस पार्टी इस मैनिफेस्टो में दिखा रहा है, ये क्लियर पिक्चर है। आप पढ़ लो, आपका सामने पूरा सीट है। ये कांग्रेस मैनिफेस्टो का है, मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूं, मैं बस उन्हीं का मैनिफेस्टो जो है ये उठा के आपका सामने रख रहा हूं। यहां पर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का कहीं ना कहीं प्रावधान यहां पर भी रख दिया है उन्होंने, काफी सारा ऐसा पॉइंट है। हालांकि मैं एक बात आपको यहां पर जरूर दिखा सकता हूं, जैसे ये राहुल गांधी, हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर मोदी जी जीतेगा, मैच फिक्सिंग इलेक्शन जो होगा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंडमेंट किया जाएगा, ये पूरा देश में आग लग जाएगा।
नहीं भी लगेगा तो कांग्रेस पार्टी लगवा देगा। उन्होंने जो बयान दिया उसका वही था, उन्होंने शायद ये नहीं कहा था कि नहीं लगेगा तो लगा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली वही इंडिकेट किया था। तो उसी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अमेंडमेंट करेगा तो देश जल जाएगा, और ये अमेंडमेंट करेगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये माइनॉरिटीज के लिए सपोर्टर है ना, मुस्लिम लीग बना ही उसी के लिए था जिन्होंने भारत को दो टुकड़ा कर दिया। ये जो जिन्ना है, जवाहरलाल नेहरू एम के गांधी का शायद खास फ्रेंड था उस टाइम पर, एक तो नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनना था इसीलिए उन्होंने भारत तोड़ दिया, और उधर जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनना था, उन्होंने धर्म के नाम पर वो एक टुकड़ा ले लिया जो पाकिस्तान नाम से बन गया, और उसका जो एजेंडा में से दो तीन शायद ही रह गया होगा, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा जो ये मैनिफेस्टो में वो दिखा रहा है ना वही दिखा रहा है। फिर कांग्रेस ने अगला एक पॉइंट कहा, ये पॉइंट जो है कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद जो पूर फैमिली का जितना महिला है हर महिलाओं को 1 लाख रुपया करके साल भर में दिया जाएगा। ये पॉइंट आप एक बार ध्यान से समझिएगा, कांग्रेस पार्टी का ये मैनिफेस्टो किसने बनाया, क्या बेसिस पे बनाया, ये तो समझ में आपको इस पॉइंट में आ जाएगा। मैं समझा देता हूं आपको, हमारा देश में जो बीपीएल फैमिलीज है ये 6.5 करोड़ है, राइट? तो इसी को कांग्रेस पार्टी ने ये मैनिफेस्टो में, अब यहां पर पहले ही देखिए, मैंने जो लास्ट पेज आपको दिखाया था वहां उन्होंने माइनॉरिटीज का नाम पर 9 पॉइंट लगा दिया, ठीक है? और ये जो स्कीम है इसका नाम क्या है, महालक्ष्मी। कांग्रेस, मुझे तो लगता था ये शायद प्रिंटिंग मिस हो गया, ये कहीं ऐसा होना चाहिए था कि अल्फा फातिमा या कोई मैरी या कोई एंटोनिया इस टाइप का नाम होना चाहिए था, एंटोनिया स्कीम या फातिमा स्कीम अच्छा लगता। माता महालक्ष्मी का नाम इसीलिए जोड़ दिया गया है, मैंने जो कहा 6.5 करोड़ बीपीएल फैमिलीज है, मान लो 6.5 करोड़ को आप अगर उसमें 1 लाख करके पर महीना, सॉरी पर ईयर अगर आप उसको दोगी, मैं हमारा देश का बजट आप जानते हो कितने का है, अभी मोदी जी ने जो बजट बनाया ये 46 या 47 लाख करोड़ का है, हर ईयर में अगर आप 6.5 लाख करोड़ डालोगे तो 5 साल के लिए है ना, कांग्रेस पार्टी अगर जीत गया 2029 तक वो जीत जाएगा, तो 2029 तक हर साल में आप इमेजिन कर सकते हो, एवरी ईयर 6.5 लाख करोड़ इंटू 5 आप कर दो, ये कहां से आएगा पैसा? लोग कहते हैं ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं कहता हूं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ये क्लियर कट पिक्चर है। क्या क्लियर कट पिक्चर आपको मालूम है, ये सारा पैसा आपसे उसूला जाएगा, खास करके हिंदुओं से, ये उसी को देगा जो माइनॉरिटीज है। आप लिख के ले लो ये बात, 6.5 लाख करोड़ ये जो अमाउंट है ना आपसे हमसे लिया जाएगा टैक्स का नाम पर जबरदस्ती। कर्नाटक में देखा नहीं, हिंदू टेम्पल से इन्होंने टैक्स लेके वाक बोचे लेके क्रिश्चियन तक इन्होंने बांट दिया है, भले गवर्नर ने बाद में उसमें साइन नहीं किया, इसका एजेंडा क्लियर है। ये जो लिखा है भले महालक्ष्मी नाम लगा दिया, इसीलिए मैंने कहा इसका नाम या तो एंटोनिया होना चाहिए था या मरिया होना चाहिए था या फिर फातिमा या अल्फा इस टाइप का नाम होना चाहिए था स्कीम का नाम, लेकिन ये डायरेक्ट दिखा रहा है कि महालक्ष्मी माता का नाम इसीलिए जोड़ रहा है कि वो हमसे उछलेगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए कांग्रेस का जो कैलकुलेशन है, अगर मैं आजादी का बाद आपको समझाऊं, जवाहरलाल नेहरू पहला प्राइम मिनिस्टर बनता है देश का, जहां देश के लिए यूसीसी लागू करना था वहां जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, हिंदू कोड बिल बना दिया, सार पार्ट में हिंदुओं को डिवाइड करके वहां कोड बिल बना दिया। यह है कांग्रेस का पॉलिसी हिंदुओं को खत्म करने का, इसी का ये एग्जाम्पल है, ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, कांग्रेस जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये आपको दिखा रहा है। इसमें से आप ये पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 11, कंसल्टेशन करने के बाद कांग्रेस क्या करेगा, LGBTQA जो है ये कम्युनिटी का, फिर से इसका ऊपर सोचेगा और इसको वापस सिविल यूनियन रिकॉग्नाइज करेगा, यानी भारत सरकार में वो पावर में जब भी आएगा वो इसको रिकॉग्नाइज कर देगा। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं, तो इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर दिया था, आपको मालूम होगा सेम सेक्स मैरिज, ये जो फार्डिक सुप्रीम कोर्ट का तरफ से आया था इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, और कांग्रेस यहां कह रहा है ये हम इसको आगे रिकॉग्नाइज करेंगे। कल को 2029 में ऐसा हो जाएगा, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिख देगा कि हम जो मूवी का जो इंडस्ट्री है ये भी हमारा देश में हम खुलेगा, कर सकता है, कांग्रेस पार्टी है यार, वो कुछ भी डाल सकता है, बहुत इंटेलिजेंट है ये लोग।
क्यों इंटेलिजेंट है मैं आपको यह भी समझाता हूं। ये राहुल गांधी सुबह शाम जब भी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा था, इसका एजेंडा क्या था कि जो पूंजीपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर किसी का साथ भारतीय जनता पार्टी ने सारा पैसा दे दिया। जितना अमीर है, बड़े बड़े कास्ट का है, इनका वही एजेंडा था। अदानी को पैसा दे दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दे दिया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया, पिछले वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी इतना इंटेलिजेंट आदमी है, राहुल गांधी का 2014 से लेके 2024 10 ईयर्स में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, इसका लिस्ट आप देखो एक बार, एक एक कंपनी आप देखो, ये राहुल गांधी ने किया। सारा लिस्ट आप देखो, आपका सामने ये लिस्ट है। इस लिस्ट में उनका जितना पैसा लगा हुआ कंपनी का प्रॉफिट जो रेशियो है, अब ये भी देख लो एक बार, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये ऐसा पैसा वैसा लगाना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल बेकार है, मोदी जी प्रॉफिट देने वाला है नहीं, सारा लूट के खा जाएगा। इनका वही एजेंडा होता है, लेकिन वो खुद लगा के इतना बड़ा बड़ा अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है ना, ये कमा के बैठा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी मालूम है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी जी है तो शेयर मार्केट भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि 2014 का नॉमिनेशन भरने का टाइम पर राहुल गांधी का जो लिस्ट था, उसमें ऐसा कोई शेयर मार्केट का डिटेल मेंशन नहीं था। 2024 में उन्होंने ये मेंशन किया है, 10 साल में आपने इतना पैसा राहुल गांधी ने शेयर मार्केट में लगाने के बाद 4 करोड़ जैसा अमाउंट उसका प्रॉफिट में आ रहा है। और फिर ये राहुल गांधी रोज गाली देता था। इसमें एक बात है, लेकिन राहुल गांधी में सही में ये जो अंबानी और अदानी को लेकर कहीं ना इनका जितना कंपनी है, एक भी कंपनी अदानी और अंबानी का नहीं है, उन्होंने नहीं खरीदा है। लेकिन मानना पड़ेगा इनका जो कंसल्टेंट है, इन्वेस्ट करने के लिए जिस जिस कंपनी में लगाने के लिए राहुल गांधी को जिसने समझाया होगा कि सर जी आप इसी कंपनी में लगाओ, आगे भागने वाला है। मैं श्योर हूं कि ये रघुराम राजन नहीं होगा, क्योंकि रघुराम राजन में इतना दिमाग नहीं है। उन्होंने दिखा दिया है वो इकोनॉमी कहां तक समझते हैं, उनका हर वो इकोनॉमी को लेके, देश का इकोनॉमी का ऊपर उन्होंने जितना कमेंट किया, हर कमेंट उसका फेल ही हुआ है। मैं श्योर हूं कि इसका जो ये कंसल्टेंट है ना, बहुत ही स्मार्ट है। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि ये कंपनी में लगाइए, आपका इतना इतना परसेंट आपका प्रॉफिट बन जाएगा। कौन कहता है राहुल गांधी के पास दिमाग नहीं है? बिल्कुल है। फिर बात करते हैं मैनिफेस्टो का ऊपर। फॉरेन पॉलिसी उन्होंने इसमें डाल दिया, इसमें गाजा को भी उन्होंने लपेट लिया कि फॉरेन पॉलिसी में हम गाजा को हेल्प करेंगे। बहुत बढ़िया, ह्यूमैनिटी है तुम्हारा। लेकिन भाई यूक्रेन रशिया में भी वार हो रहा है, वो तुमने मेंशन ही नहीं किया। गाजा तो अक्टूबर 7 से ये लड़ाई हुआ है ना, यूक्रेन रशिया का वार तो लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो गया, तुमने आज तक उसका ऊपर कुछ बयान ही नहीं दिया, मैनिफेस्टो में भी नहीं डाला। लेकिन गाजा के लिए उसका प्यार है। क्यों प्यार है? जो मैंने आपको वो पॉइंट लिस्ट दिखाया था माइनॉरिटीज का नाम पर, यही प्यार यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये है कांग्रेस का फॉरेन पॉलिसी। मुझे जो लगा 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, ये 48 पेज का जो इनका मैनिफेस्टो है, इसमें 2-3 बात क्लियर है। पहला तो मोदी जी ने जो कहा वो एकदम क्लियर है, मुस्लिम लीग का जो एजेंडा जो रह गया था, ये आगे कंप्लीट करने के लिए इस टाइप का मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है। और ये मैनिफेस्टो नहीं है, इसमें और एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर डाल दिया कि फार्मर के लिए वो एमएसपी के लिए इस टाइप का प्रावधान उन्होंने यहां पर डाल दिया, राइट? लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 3 बिल लाया गया था फार्मर के लिए भारतीय जनता पार्टी का तरफ से, उसको अपोज करा के, उनको फार्मर प्रोटेस्ट का नाम पर सपोर्ट करके, वो 3 बिल को वापस लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है, आज उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला। ये पूरा मैनिफेस्टो ऐसे बनाया गया है ना, मुझे ऐसा लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जिस समय कांग्रेस पार्टी कर रहा था ना, उस टाइम पर राहुल गांधी ने जितना एजेंडा लोगों का सामने दिखाया था, कास्ट, अदानी, ये सबको ही 2-3-4 पॉइंट ऐसे बैठ के AICC ऑफिस में बैठ के उन्होंने बोला कि मणिपुर में मैंने ये बोला, उत्तर प्रदेश में ये बोला, महाराष्ट्र में ये बोला, कश्मीर में ये बोला, कन्याकुमारी में, इस टाइप का 2-4 पॉइंट उठा के ये मैनिफेस्टो बना दिया। साथ में जो 2-3 पेज ब्लैंक रह गया था, उसके बाद उन्होंने लेफ्ट को पूछा कि तुम्हारा क्या एजेंडा है, यहां डाल देते हैं। तो लेफ्ट ने यहां पर 2-4 एजेंडा डाल दिया। ये लूट फेस्टो है। किससे लूटना है? मेजोरिटी जो है ना, उनसे लूट के माइनॉरिटीज को देना है। ये खुलेआम कांग्रेस ने ये दिखाया है, उसके अलावा इस मैनिफेस्टो में कुछ ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहां तक इन्होंने कह दिया कि हम पावर में आएंगे तो आर्टिकल 370 वापस लागू कर देंगे, ट्रिपल तलाक जो है इसको भी हम वापस हटा देंगे। ये पूरा उन्हीं को सपोर्ट, जो बैक सिस्टम है ना कांग्रेस, उसको खुश करने के लिए तुष्टिकरण वाला ये मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
ये जो पूरा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है 48 पेज का, इसमें कंप्लीट अगर ये लागू करेगा ना, लगभग 40 से ज्यादा एमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को करना पड़ेगा। और उधर वही राहुल गांधी रामलीला मैदान से मोदी जी को क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी फिर से जीतेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगा तो देश में आग लग जाएगा। इसीलिए मैंने कहा आग नहीं लगेगा, उसको लगाया जाएगा। ये कांग्रेस जैसा पार्टी सपोर्ट करेगा उसको। तो इसीलिए बीजेपी का तरफ से भी कहा जा रहा है, इन्होंने तो अपनी मैनिफेस्टो में जो पिक्चर लगाया है, जो भारत का लोकसभा का इलेक्शन है वहां पर उन्होंने कहां कहां का लगा दिया। देखो सुधांशु त्रिवेदी साहब बीजेपी का जो स्पोक पर्सन है, ये राज्यसभा का मेंबर है, इन्होंने कहा कि इसमें ये जो पिक्चर लगाया है ना, ये न्यूयॉर्क का कोई रिवर का पिक्चर उन्होंने लगा दिया है, बफेलो रिवर। और इसमें ये देखो अंडर द एनवायरमेंट सेक्शन में जो पिक्चर लगाया गया है राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो पर, ये थाईलैंड का है। हालांकि राहुल गांधी का फेवरेट प्लेस में से एक है थाईलैंड, हर 45 डेज के बाद राहुल गांधी वहां जाते ही। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को भी ठीक से नहीं प्रेजेंट किया देश का सामने। ये सारा तो इन्होंने वही दिखाया, इसमें से काफी सारा काम मोदी जी ने ऑलरेडी कर दिया, जो ये फिर उसी को ही दो तीन वर्ड को, जो सेंटेंस है उसको दो तीन वर्ड आगे पीछे करके अपना तरफ से दिखा रहा है। और जो मोदी जी ने करने के लिए कोशिश किया था उसको भी रोकने के लिए इन्होंने प्रयास किया, जो अपनी एजेंडा में इन्होंने डाल दिया, एक देश एक इलेक्शन, ये तो मोदी जी ने भी कहा था, तुम ही लोग नहीं मानते हो, फिर इधर उन्होंने यहां पर ये दे दिया। इसीलिए शायद आज कांग्रेस को मालूम है कि आएगा तो मोदी ही, तो हमें तो बस एक दिखाना है कि हम पार्टी है, हम है, कहीं ना कहीं 2046 मिल जाए तो बहुत बढ़िया। आज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हमें 60 से भी ज्यादा सीट जीतना है, और कांग्रेस का एजेंडा है हम 40 सीट्स अगर मिल जाए एनाफ है। तो इसमें वही होगा राहुल गांधी का, मैंने कहा ना इसका इकोनॉमिक जो मास्टर है रघुराम राजन वो तो फेल हो चुका है, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट जिस समय किया मैं श्योर हूं उनसे गाइड लेकर नहीं किया, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का ना एक ये है अपने आप अहंकार है, घमंड है कि देखो हम तो कर सकता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, हाल ही में ये पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में, उनकी माता जी का जो नॉमिनेशन जिस दिन शपथ ग्रहण लिया था एज ए राज्यसभा जयपुर से, आपको मालूम होगा वो यूपी से शिफ्ट हो गया, लोकसभा से राज्यसभा आ गया, पूरा परिवार आके यहाँ फोटो खींचा, वाइस प्रेसिडेंट है उनका कुर्सी को राहुल गांधी पकड़ने का ये तरीका आप देखो कि कहीं पकड़ नहीं लो मैं गिर जाऊंगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये राहुल गांधी जब भी फॉरेन जाता है इस गेटअप में वो इंटरव्यू देता है, और हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट का सामने वो इस टाइप का जो पहनता है उसका मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन खड़ा होने का तरीका आप देखो, यह है राहुल गांधी, ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है अगला चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का। इससे आपको क्या लगता है कि ये आदमी आगे सुधरेगा या ये आदमी आगे कुछ दिखा सकता है देश के लिए? कुछ नहीं। आज मैनिफेस्टो में मैंने दिखा है ना, खास करके तुष्टिकरण के लिए माइनॉरिटीज का नाम पर इसको आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उनको भी मालूम है उनका जो वोट बैंक है इस बार वही होगा। देखो फिर इलेक्शन तो पहुंच ही गया, हम ये उम्मीद जरूर नहीं कर सकते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पावर में आए, लेकिन एक उम्मीद जरूर कर सकते हैं, अगर विपक्ष में ही बैठना है ढंग से बैठो, एक एजेंडा लेके बैठो, ताकि हम ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी या किसी संप्रदाय को या किसी रिलीजन लोगों को खुश करने के लिए तुमने इस टाइप का मैनिफेस्टो बना देगा, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आने वाला टाइम के लिए आपको भी सोचना जरूरी है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना, आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।